आर फूड प्लेज 80% रोल इन आर वेलनेस जर्नी। तो अगर आप भी अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हैं, अपने परिवार को हेल्दी देखना चाहते हैं, तो वेलकम टू डॉक्टर होममेकर, वेयर वी बिलीव दैट होममेकर इज़ द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द फैमिली। अगर एक होममेकर अपने किचन को अपने वेलनेस सेंटर की तरह यूज़ करे और उसमें फूड एज अ मेडिसिन कुक करे, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में जाने, हर एक पैक के पीछे क्या लिखा है, क्या न्यूट्रिएंट्स वो फैमिली को दे रही है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको पता हो, तो परिवार वाले कम बीमार पड़ेंगे। हम बना रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग एंड माउथ वाटरिंग मिलेट टिक्की, जो कि हम बनाएंगे किसी भी एक 5 पॉजिटिव ग्रेन से, जो कि डॉक्टर खादर वली ने इनको कैटेगराइज किया है एज श्री धान्य। आपने मुझे देखा होगा, मैंने आपके साथ गट फ्रेंडली या गट हेल्थ को फिक्स करने वाली अम्बली की रेसिपी या डायबिटीज़ को दूर भगाने वाले डोसा की रेसिपी भी शेयर की है। इसके अलावा मैंने आपके साथ बहुत सारी मिलेट दलिया, मिलेट उपमा, मिलेट पोहा ऐसी रेसिपीज़ भी शेयर की है। मिलेट टिक्की की भी रेसिपी मैंने आपके साथ एक बार शेयर की है, मगर आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ब्राउन टॉप मिलेट की रेसिपी, जो कि हम टिक्की के फॉर्म में खाएंगे और अपने परिवार को ज़्यादा स्वस्थ रखने में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आपकी फैमिली में भी कोई डायबिटिक है और चटोरा है, तो ये मिलेट टिक्की उनके लिए है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ऑफ कुक्ड ब्राउन टॉप मिलेट, और उसके साथ साथ हम 1 आलू ले सकते हैं। अगर आप के पास आलू नहीं है तो आप स्वीट पोटैटो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे जिंजर, पेपर अपने स्वाद के अनुसार। तो रेड चिलीज़ का ये बीज निकालना मत भूलिए, क्योंकि अगर किसी फैमिली मेंबर को पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की तकलीफ़ है, तो ये मिलेट टिक्की जिसमें आप बीज के साथ मिर्ची डालेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होगी। हम इसमें मिलाएंगे बकवीट, बकवीट जिसको हम कहते हैं कुट्टू का आटा। तो कुट्टू का आटा भी प्रोटीन में हाई होता है, साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स में अच्छा रहता है, सेलेनियम में हाई होता है, तो थायराइड हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। तो ब्राउन टॉप मिलेट जो आपका है वो प्रोटीन में भी रिच है, 12 ग्राम के आसपास उसमें प्रोटीन है 100 ग्राम में, और फाइबर तो है ही। मिलेट्स, देखिए मिलेट्स हमें फाइबर के लिए ही खाने चाहिए, तो यहाँ पे एक प्रोटीन रिच, फाइबर रिच, फुल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और ये डायबिटिक फ्रेंडली भी है, गट हेल्थ को भी सपोर्ट करती है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी दूर करती है। हमें अपना खाना लोहे के तवे पे, लोहे की कढ़ाइयों पे ज़रूर बनाना चाहिए, और जब हम एक न्यूट्रिशियस मील रेडी करते हैं, उसको हमें न्यूट्रिशियस होममेड सॉस के साथ ही खाएं। चटनी जो बनती थी पुराने ज़माने में, हमारी दादी नानी जो चटनियाँ बनाती थी, उनको रिप्लेस किया गया है हम जैसी होम मेकर्स ने, आज की मॉडर्न होम मेकर्स ने उन सारी चटनीज़ को रिप्लेस किया है स्टोर ब्रॉट सॉसेस के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक अनहेल्दी कंपोनेंट बन जाता है आपकी हेल्दी मील का। आप चाहे कितना भी हेल्दी खाए, अगर उसको आप उस सॉस के साथ खाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, इस रेसिपी को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि 15-20 मिनट तो सेकने में ही लग जाएंगे, तो अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप ये बनाइए, मगर इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। कोकोनट चटनी का रेसिपी यहाँ पे दिया गया है। ये जो मिलेट की टिक्की है, या आप रतों में भी खा सकती हैं, क्योंकि कुट्टू का आटा भी इसमें है, आलू है बॉयल्ड, आलू की जगह मैंने आपको पहले भी कहा कि स्वीट पोटैटो भी डाल सकती हूँ। अब एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने अगर राइट मिलेट कुकिंग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, तो आपको फ़ायदा होने की जगह नुकसान भुगतना पड़ेगा। आप कॉन्स्टिपेटेड रह सकती है, और ये कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होती है फिर। तभी बहुत सारे लोग कहते हैं हमें मिलेट से कॉन्स्टिपेशन हुई। देखिए, पहला स्टेप है रोस्टिंग। रोस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रोस्टिंग से मिलेट्स के फाइटिक एसिड रिमूव होते हैं, जो कि एक एंटी न्यूट्रिएंट है, जो हमें न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन होने से रोकता है। ये हर एक होल ग्रेन में होते हैं, जो कि सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मगर एक एंटी न्यूट्रिएंट भी है। रोस्टिंग से मिलेट्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, फ्लफ़ी बनते हैं। रोस्टिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर स्टोरेज के टाइम पे कुछ फंगल इन्फेस्टेशन हुई होगी मिलेट्स को, तो वो भी रिमूव हो जाती है।
रोस्टिंग के बाद 2-3 बार वॉश करना मत भूलिए, और वॉशिंग के बाद ब्राउन टॉप मिलेट को 10 घंटे तक सोक करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे मिलेट रूल्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, मैं उन सब का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ। तो यहाँ पे हम मिलेट्स को अगर डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए लेना है तो हमें राइस को मिलेट राइस से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। It's your life. Life. What is that?